पटना के फुलारी शरीफ पुलिस ने फुलारी शरीफ और दरभंगा इलाके में जमीन के नाम पर करीब 15 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले साथी मोहम्मद रिजवान उर्फ मोहम्मद इंतखाब को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद रिजवान उर्फ मोहम्मद इंतखाब उर्फ मोहम्मद इंतकाम दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एकमी घाट इलाके का रहने वाला है। रिजवान फिलहाल फुलारी शरीफ के अलवा कॉलोनी में रहता है। इस साथी ठग ने जमीन खरीद बिक्री करने के नाम पर फुलारी शरीफ दरभंगा के बहादुरपुर और लहरिया सराय थाना में कई सीधे साधे लोगों से करीब 15 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। इसके खिलाफ फुलारी शरीफ थाना में 5 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा बहादुरपुर थाना में 11 और लहरिया सराय दरभंगा थाना में 10 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा कोर्ट परिवारवाद समेत 29 मामले इसके खिलाफ अब तक सामने आए हैं। फुलारी शरीफ थाना अध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि इस आदमी के खिलाफ अगर किसी के पास कोई फर्जीवाड़ा या धोखाधड़ी का मामला है तो अपने संबंधित थाना में जाकर मामला दर्ज करवाए। मोहम्मद रिजवान नाम के व्यक्ति जो मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले हैं और यहाँ अलवा कॉलोनी में रहते थे, उनके द्वारा विभिन्न लोगों को अलग अलग जगह पर फर्जी कागज दिखा के जमीन के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की गई थी। किसी से 45 लाख रुपया, किसी से 70 लाख रुपया, और इन पे पूर्व में कोर्ट कंप्लेन भी था, प्लस थाना में भी केस था, इसमें वारंट भी निर्गत था। कुछ दिन पहले इनके पत्नी को भी पकड़ के जेल भेजा गया था, आज इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इनकी गिरफ्तारी दरभंगा से ही हुई है, इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसके द्वारा दरभंगा से काफ़ी बार छापामारी करने के बाद कल रात गिरफ्तारी हुई और आज अभी जेल गए। टोटल कितने केसेस पर है इन पे अभी तक जो हम लोग को मिल पाया है, 28 कांड इनके विरुद्ध फुलवारी शरीफ थाना, बहादुरपुर थाना एवं दरभंगा के थाना में दर्ज है। सब जमीनी विवाद। सर पूर्व में भी फरार चल रहा था सर, ये फरार थे इनके घर में, पहले भी हम लोग कई बार छापामारी किए थे, इनके पूर्व में वारंट वगैरह निर्गत हो गया था, इश्तेहार का भी हम लोग वहाँ जाके तमला कराए थे। इनके पत्नी को लगभग 1.5 माह पूर्व पकड़ के जेल भेजा गया था, जो अभी भी जेल में है।